उत्तर प्रदेश की बेटी के नाम से एक पोस्टर लगा है जिसमें बहुत ही वाजिब सवाल पूछे गए हैं कि 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना बढ़ती जा रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं की उन्नति की बात कर रहे हैं, नारी वंदन के कार्यक्रम चला रही है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार सरकार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना कोई टॉलरेंस है, ना महिलाओं की सुरक्षा है। जगह जगह पर हत्या लूट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है कि गाजीपुर से लेकर हाथरस तक, उन्नाव, बदायूं, गोरखपुर, तमाम जगहों पर जहां पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए वहां पर कहीं भी बाबा का बुलडोजर नहीं चला। वाराणसी में पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इन्वॉल्व थे दुष्कर्म में, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सोचने का विषय है कि सरकार जब कह रही है कि हमारे बुलडोजर से अपराधियों में खौफ का माहौल है, तो आखिर वो खौफ का माहौल क्यों नहीं है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं? अभी कल की घटना है, उन्नाव के अंदर एक महिला आती है, वो जनता दरबार में निराश हो चुकी थी, लगातार चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिला था। अंत में उसने आत्महत्या कर ली और अभी उसकी हालत बहुत गंभीर है। तो ये सोचने, वो एक महिला की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ यही स्थिति है, यही महिलाओं के साथ निराशा का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वो आपस की लड़ाई को छोड़कर के महिलाओं को सुरक्षा दे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।